अरे मैं क्यों दूं यार तुम्हें पासवर्ड? मैं नहीं दे रही तुम्हें कोई पासवर्ड। यार अगर पासवर्ड दे दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? अरे मुझे बताओ तो तुम्हें मेरे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का पासवर्ड अचानक से क्यों चाहिए? मैंने तुमसे आज तक मांगा है कोई पासवर्ड? अरे जो भी करना हो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों चाहिए? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे अगर तुम गलत नहीं हो तो दे दो ना पासवर्ड, दिक्कत क्या है? तुम मुझे एक वैलिड रीजन दे दो कि तुम्हें पासवर्ड चाहिए क्यों? मैंने ऐसी क्या हरकत की है या कोई गलती की है कि तुम्हें आज मेरे पासवर्ड मांगने की जरूरत पड़ रही है? देखो रिया बहुत हो गया है, अगर तुम पासवर्ड देती हो तो ठीक है, वरना ब्रेकअप। आई लव हिम। अच्छा, मुझे तो पहले ही शक था तुम पे, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना किसी और के साथ। अरे मुझे पता था तुम ऐसी हरकतें करती हो। Excuse me? अगर तुम्हारा चल रहा है ना तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, मैं और मुस्कान पिछले 3 महीने से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वैसे भी मुझे तो बहाना चाहिए था ब्रेकअप करने का, अच्छा रहा तुमने आगे से कर लिया। बेवकूफ इंसान, स्टूपिड। पासवर्ड है आई लव हिम, और हिम वो तेरे लिए था बेवकूफ। पासवर्ड रिया, मैं तो यार मजाक कर रहा था, सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए। चिढ़ाने के लिए? अरे नहीं रहना था तुझे मेरे साथ तो साफ साफ बोल देता ना कि रिया नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ये आड़े टेढ़े प्लान बना के मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ताकि किसी तरह से ब्रेकअप का सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए कि मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ है, तब तुझे शांति मिल जाएगी क्या? हाँ, और पासवर्ड चाहिए था ना तुझे, ये पकड़, फोन पकड़, इसे घर ले जा और पूरी रात अच्छे से चेक करना, अगर तुझे इसमें कुछ मिल जाए ना अपनी नाक कटवा लूंगी मैं। दीपांशु, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं कि अगर तेरे साथ हूं तो साइड में कोई और ऑप्शन भी मेरा चल रहा है, अगर मैं तेरे साथ हूं ना तो मैं तेरे ही साथ हूं, उसके बाद चाहे मेरे सामने कोई कितना भी हैंडसम, रिच, गुड लुकिंग कैसा भी बंदा आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पार्टनर के साथ हूं तो मैं उसी की हूं, वो ही सबसे अच्छा इंसान है मेरे लिए। तूने हमारा 3 साल का रिलेशनशिप एक झटके में तोड़ दिया, वो भी उस मुस्कान के लिए। क्या है उस लड़की में ऐसा जो मुझ में नहीं है? और सोच, इतनी घटिया किस्म की लड़की होगी वो, उसको बहुत अच्छे से पता है कि हम 3 साल से एक साथ थे रिलेशनशिप में, फिर भी वो तेरे साथ है, तुझे डेट कर रही है, तो सोच ना कि किस तरह की लड़की होगी वो। रिया, आई एम रियली सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मैं ना आज ही छोड़ दूंगा उसे। मुझे समझ आ गया है यार कि मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती, प्लीज़ एक चांस दे दो। एक चांस मैं तुम्हें दे देती अगर तुम मेरे मुंह पे आके बोलते ना कि रिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे मुस्कान के साथ रहना है, पर तू ये फालतू के गेम प्लान कर रहा था कि किसी तरह से सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए और तू मज़े से मुस्कान के साथ गुड़छल्ले उड़ाए, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली दीपांशु। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया यार, और तुम यहाँ मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तुम तो ब्रेकअप करके चले जाते, मैं पूरी ज़िंदगी भर यही सोचती रहती कि ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से हुआ है, शायद उस दिन मैं पासवर्ड दे देती तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं होता। रिया, आई एम सॉरी ना यार। सॉरी भाड़ में गया तेरा सॉरी। तुझे पता है तेरे जाने के बाद मैं डिप्रेशन में भी जा सकती थी, पर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या होता, तो तू भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा सॉरी, क्योंकि तू ना मेरी लाइफ में रहना डिज़र्व करता है और ना मेरा प्यार डिज़र्व करता है। गुड बाय। Yep.